हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेख मीरात। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन जंगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अमेज़ॉन का मतलब हम समझेंगे। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम होता है लड़ाकू महिला, वीर महिला, और उसी के नाम पर से जो है ये नाम पड़ा है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन जंगल में सिर्फ पेड़ से पेड़ लगा हुआ है, मतलब कोई भी जगह जो है तो खाली नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे, और ज़्यादातर जो है तो बड़े पत्ते वाले पेड़ है वहाँ पर। तो अमेज़ॉन जंगल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। लगभग 9 देशों में ये जंगल फैला हुआ है। पूरे 55 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है। अगर भारत से हम इसकी तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और अमेज़न जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा जगह में जो है तो फैला हुआ है। अगर ये दोनों की तुलना करें हम तो लगभग भारत जैसे 2 देश उस जंगल में जो है तो समा जाएंगे। और अमेज़न जंगल में सिर्फ पेड़ से पेड़ लगा हुआ है, मतलब कहीं भी जगह जो है तो खाली नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे, और ज़्यादातर जो तो बड़े पत्ते वाले पेड़ है वहाँ पर। अमेज़न जंगल का सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील इस देश में है। लगभग 60% अमेज़न जंगल ब्राज़ील में है और बाकी का उसके आस पड़ोस के देशों में जो है तो ये फैला हुआ है, जिसमें पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गियाना, इक्वेडोर, वेनेजुला, बोलिविया, ये देश है। और इस जंगल में जो तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी या सबसे बड़ी नदी पानी में भी और चौड़ाई में भी जो नदी है उसका नाम है अमेज़न नदी। ये नदी जो है तो बहती है। अमेज़न जंगल काफ़ी डरावना जंगल है जिसमें दुनिया में हर तरह के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ और इतने चौड़े पत्ते वाले पेड़ हैं कि इस जंगल में जो है तो पूरा अंधेरा रहता है, यानी सूरज की किरणें भी जो है तो ज़मीन तक पहुँचती नहीं, पूरा अंधेरा होता है कायम। अगर बारिश गिरेंगी तो बारिश भी को भी जो है तो ज़मीन पे आने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इतने घने पत्ते वाले पेड़ यहाँ पर जो है तो मौजूद है। अब इस जंगल का या इस जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ है, घने पत्ते वाले हैं, ऊंचे पेड़ हैं और इतना बड़ा ये जंगल है अभी तक, तो इसका एक कारण है ये जो है तो विषुववृत्त पट्टे में आता है और यहाँ पर जो है तो लगभग साल के 12 महीने हर दिन जो है तो बारिश होती है। ज़्यादा धूप है, ज़्यादा बारिश है, इस कारण यहाँ के पेड़ जो है काफ़ी ऊँचे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और 12 महीने जो है तो हरे रहते हैं, मतलब यहाँ के पत्ते कभी झड़ते नहीं क्योंकि 12 महीने जो है तो उनको पानी मिलता है। इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो काफ़ी जहरीले, डरावने और बड़े आकार के जानवर जो है तो इस जंगल में पाए जाते हैं, जैसे एनाकोंडा, दुनिया का सबसे विशाल बड़ा सांप जो है तो यहाँ पर मौजूद है। इसी जंगल में से गुजरने वाली नदी अमेज़न नदी में भी ये सांप रहता है। उसके बाद पिराना फिश जो है तो इसी जंगल की नदियों में है। उसके बाद इसी जंगल में एक प्रकार की जो चींटी है, बुलेट एंट, ये भी है। ये एक बार डस ले तो ऐसा लगता है जैसे मानो हमें जो है तो बंदूक की जो तो बुलेट लगी हो, इतना ज़्यादा दर्द जो है तो होता है, व्यक्ति मर भी सकता है। उसके बाद यहाँ की नदियों में या अमेज़न नदी में एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक ईल नाम की एक फिश है जो करंट मारती है और करंट मार के अपने शिकार को जो है तो मारती है और फिर जो है तो उसको खा जाती है। इस तरह के डरावने जीव जंतु यहाँ पर जो है तो रहते हैं। 17,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के वृक्ष पेड़ यहाँ पर इस जंगल में जो है तो मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि हर 3 दिन में एक नई प्रजाति की खोज जो है तो यहाँ पर होती है, फिर चाहे वो पेड़ हो, प्राणी हो, पशु पक्षी कीटक कुछ भी हो, 3 दिन में एक खोज यहाँ पर होती है। इतना बड़ा ये जंगल है और बहुत सारे कीटक, पक्षी, परिंदे की जनजातियाँ, प्रजातियाँ यहाँ पर जो है तो उपलब्ध हैं। इतना बड़ा जंगल है, अनगिनत पेड़ हैं और इतने पेड़ हैं इसलिए जो है तो ये हमारे पृथ्वी पर, हमारे वातावरण में जो है तो ऑक्सीजन को जो है तो छोड़ते हैं। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी पेड़ हैं या जंगल है या दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, तो इसमें अकेले अमेज़न जंगल का जो है तो 20% हिस्सा है। इस कारण इस जंगल को जो है तो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। तो इतना घना होने के कारण हमारे लोग भी जो है तो रहते नहीं हैं। 350 से भी ज़्यादा जो है तो कुछ जनजातियाँ हैं, मतलब आदिवासी कहेंगे हम जो लोग, जिस तरह के एक आदिवासी होते हैं हमारे, और उस तरह की 350 से भी ज़्यादा जो तो जनजातियाँ उस जंगल में रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये धन्यवाद।